माँ चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, संसार की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा हमें माँ से ही मिलती है। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा, मनुष्य के अंदर अच्छे गुण तब तक रहते हैं जब तक उसमें अहंकार नहीं आ जाता। अहंकार सब रोगों की जड़ है। इस पर मैं आपको आज एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि अहंकार आने पर ये लोक ही नहीं हमारा परलोक भी बिगड़ जाता है। एक बार एक राजा था, वो बड़ा ही धर्मात्मा था, न्यायप्रिय था, प्रजा से बहुत प्रेम करता था। उसने अपने बगीचे के अंदर सत्य, प्रेम, अहिंसा, ईमानदारी, न्याय और ज्ञान के फूल लगाए हुए थे। पूरा बगीचा महकता था, लोग दूर दूर से वहां भ्रमण करने आते थे और राजा की बहुत प्रशंसा करते थे। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसके अंदर अहंकार की भावना आ गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उस बगीचे के अंदर एक ऐसा फूल खिला जिसकी दुर्गंध पूरे बगीचे को जो है बदबूदार उसने बना दिया। अब जो लोग भ्रमण करने आते थे उन्होंने आना बंद कर दिया, क्योंकि सुंदर फूलों की जो सुगंध थी वो अब खत्म हो चुकी थी। जब राजा को पता चला तो वो अपने गुरु को लेकर एक दिन बगीचे में टहलने के लिए गए। तब राजा ने अपने गुरु से कहा कि ये कैसा फूल खिला हुआ है जिसकी दुर्गंध से सारा वातावरण बदबूदार हो गया है, किसी भी फूल की सुगंध आ ही नहीं रही है, यहाँ तो ठहरना भी मुश्किल हो गया है, अब यहाँ कोई घूमने भी नहीं आता, सूना सूना लगता रहता है। तब गुरुदेव ने कहा कि ये अहंकार का विष युक्त फूल है, इसकी दुर्गंध से चारों तरफ जो है वातावरण ऐसा हो गया है। बाकी फूलों के अंदर जो सुगंध थी वो भी इसकी दुर्गंध से दब गई है। राजन, ये फूल भी ऐसा ही है जैसा कि मनुष्य के मन में अहंकार होता है। जब अहंकार का फूल खिल जाता है तब उसके सारे गुण खत्म हो जाते हैं, उसका ये लोक ही नहीं परलोक भी बिगड़ जाता है। ये ज्ञान सुनकर राजा ने कहा कि गुरुदेव, अब मुझे आपने अच्छा ज्ञान दे दिया, मेरे अंदर जो अहंकार उत्पन्न हो गया था मैंने उसे त्याग दिया है। तो बेटा, जीवन के अंदर कभी भी अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। ये अहंकार का फूल जब हमारे मन में खिल जाता है, हमारे शरीर रूपी बगीचे में खिल जाता है, तब जो है जितने भी गुण होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। हमारा शरीर एक सुंदर बगीचे के समान है, तो इस बगीचे में सत्य, प्रेम, अहिंसा, त्याग, बलिदान, न्याय, ईमानदारी और ज्ञान के फूल हमें खिलाने चाहिए, अहंकार के नहीं, क्योंकि अहंकार धीरे धीरे व्यक्ति के सभी गुणों को नष्ट करके उसके जीवन को पतन की ओर ले जाता है। तो कैसी लगी कहानी? कहानी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।